स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंबशन। कंबशन होता है जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं और उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, तो इस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। जो मटेरियल जल सकते हैं उनको कम्बस्टिबल मटेरियल्स बोला जाता है, जैसे पेपर, वुड, पेट्रोल, और जो सब्सटेंस इजीली नहीं जल सकते हैं उन्हें नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल्स बोला जाता है, जैसे आयरन और ग्लास। जलने के लिए एयर या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये सपोर्टर्स हैं कंबशन के। तो इसी केमिकल रिएक्शन को जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। कंबशन में देखिए जो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो जिन्हें जलने के लिए ज़रूरत नहीं रहती है ऑक्सीजन की, वो बिना ऑक्सीजन के भी जल सकते हैं। सोडियम को क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में भी जलाया जा सकता है, इसीलिए जो सोडियम है वो नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस में आता है। कम्बस्टेबल सब्सटेंस में वुड, पेपर, कोल, हाइड्रोजन, LPG, CNG, पेट्रोल और कैरोसिन आते हैं। कम्बशन की टाइप्स देख लीजिए, एक होता है रैपिड कम्बशन, मतलब जिसमें गैस जलती है और हीट और लाइट जिसमें रिलीज होती हैं। स्पॉन्टेनियस कम्बशन होता है एक, जिसमें मटेरियल अचानक से एकदम से बस्ट हो जाता है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पर ही जलना स्टार्ट कर देता है। और एक्सप्लोजन होता है जिसमें ब्लास्ट फॉर्म में होता है, मतलब एक बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में साउंड, लाइट और हीट रिलीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। देखिए हम किस तरह से बर्निंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आते हैं फायर ब्रिगेड होती है सिटीज़ में और घरों में, ऑफिस में, स्कूल्स में आग से प्रोटेक्शन के लिए फायर एक्सटिंगशर रखे रहते हैं। और फायर एक्सटिंगशर जो है वो एयर के पाथ को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि जलने के लिए ज़रूरत रहती है एयर की या ऑक्सीजन की, और इसके पाथ को ब्लॉक करने के लिए फायर एक्सटिंगशर जो है वो वर्क करते हैं। कंबशन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें फ्यूल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और जिसमें हीट रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। और जो कम्बस्टिबल मटेरियल है, अगर उसकी अमाउंट कम है या ज़्यादा है तो उसका इफ़ेक्ट भी कंबशन पे पड़ता है, मतलब जो छोटे पीसेस होते हैं वो जल्दी जलना स्टार्ट करते हैं और जो बड़े पीसेस होते हैं वो देर से जलना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं कंबशन के लिए, तो वो हैं, एक तो एयर बहुत ज़रूरी है जिसमें ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहती है वो जलने में हेल्प करती है, और दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जो है वो भी ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे ना तो कोई रूम टेम्परेचर पे ही जलना स्टार्ट कर दे कोई सब्सटेंस, और ना ही वो इतनी देर से जले कि उसको जलाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे कोई भी फ्यूल हम इजीली उसे जला सकें। जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर के नीचे भी जलना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्लोली जलते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे, मतलब उनका कंबशन चलता रहता है, तो वो स्लो कंबशन में आते हैं। जैसे रेस्पिरेशन जो है वो स्लो कंबशन है, उसमें फूड और ऑक्सीजन रिएक्शन करती हैं बहुत स्लोली और CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन अगर होता है, अगर कंबशन कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है, तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। एक तो फ्यूल जो है वो उसका वेस्टेज बहुत रहता है, और उसमें से कार्बन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज रहती है, जिसकी वजह से सूट बनता है। सूट मतलब जो काले कलर का धुआं निकलता है वो, जिससे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है। और इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं, जो कि पॉइजनस गैसेस हैं। नेक्स्ट देखिए फ्लेम। देखिए जितनी भी चीज़ें जलाई जाती हैं सारी चीज़ें फ्लेम के साथ नहीं जलती हैं, सिर्फ वही चीज़ें फ्लेम के साथ जलती हैं जो कि वॉलेटाइल हैं, वेपराइज हो सकती हैं, मतलब जिनमें से वेपर्स निकलती हैं सिर्फ वही फ्लेम के साथ जलती हैं। जैसे वैक्स जो होता है उसे जब हम जलाते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है उसकी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लेम बनती है। ये जो फ्लेम है उसकी मतलब पता चला था, सबसे पहले फ्लेम जो थी वो हमें कैंडल में मेनली दिखती है, तो कैंडल जो है
उसकी फ्लेम की हिस्ट्री बताई है। माइकल फेराडे के जो लेक्चर्स की सीरीज़ थी पूरी 1860 से लेके 61 तक उन्होंने जो भी अपने लेक्चर्स दिए थे वो एक बुक में प्रिंट हुए थे, और वो कैंडल के विक और एटमॉस्फेयर में उसकी जो भी वेट है उसका, कैपिलरी अट्रैक्शन, मतलब सारा कैंडल के से रिलेटेड उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और सारी उसकी बातें एक्सप्लेन की थी, और जो कि प्रिंट हुई थी 1861 में। अकॉर्डिंग टू फेराडे देयर इज़ नो लॉ अंडर विच एनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ गवर्न विच डज नॉट कम इन टू प्ले एंड इज़ नॉट टस्ट अपॉन ड्यूरिंग द टाइम अ कैंडल बर्न्स। ये फेराडे ने कहा था। उन्होंने बताया कि कोई भी यूनिवर्स में ऐसा किसी भी कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो कि ये चीज़ को कंट्रोल करता हो कि जो कैंडल जल रही है उसकी फ्लेम जो है वो किस तरह से जलेगी। फ्लेम में अलग अलग जोन्स होते हैं। फ्लेम में एक होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, एक होता है ल्यूमिनस जोन, एक होता है डार्क जोन और एक होता है ब्लू जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन होता है जो कि आउटर मोस्ट जोन होता है कैंडल फ्लेम का, जिसको जिसमें मतलब एंटायर फ्लेम के मतलब चारों तरफ का जो पूरा एरिया रहता है। द वैक्स वेपर्स इन दिस लेयर गेट मोर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर अराउंड विच दैट कम्प्लीट कम्बशन टेक्स प्लेस एयर। जो बाहरी पूरा एरिया है उसको सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, जिस वजह से वहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होता है। फिर आता है ल्यूमिनस जोन जो कि फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है, और यहाँ पे येलो कलर की फ्लेम दिखाई देती है। फिर आता है डार्क जोन, यहाँ पे जो वैक्स की वेपर्स हैं उनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी भी तरीके की खास बर्निंग नहीं हो पाती है, मतलब कम्प्लीटली वहाँ पे बर्निंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से कुछ पार्टिकल्स कार्बन के अनबर्नड वहाँ पे रह जाते हैं, जो कि गर्म होने की वजह से और ग्लो करने लगते हैं और येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि विक के जस्ट आसपास के पोर्शन होता है, उसे डार्क जोन बोला जाता है। और एक होता है ब्लू जोन, इन दिस एरिया नो ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल फॉर द बर्निंग टू टेक प्लेस। यहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। डार्क जोन में जो ऑक्सीजन मिलती है वो कम अमाउंट में मिलती है, एनफ अमाउंट में नहीं मिलती है, इसीलिए वहाँ पे कंप्लीट कम्बशन नहीं हो पाता है। लेकिन ब्लू जोन में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिस वजह से जो द ब्लू कलर एट द बॉटम इज़ ड्यू टू कम्बशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगती है। जो मैंने बताई थी, जब भी कम्प्लीटली किसी चीज़ का कम्बशन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के जलने की वजह से वहाँ पे ब्लू कलर दिखाई देता है। तो ये हो जाती है आपकी फ्लेम जो कि कैंडल में आपको दिखाई देती है। तो फ्लेम के कौन कौन से पोर्शन हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और मोस्टली जितनी भी चीज़ें फ्लेम से जलती हैं उनमें इसी टाइप के जोन्स बनते हैं। जो येलो कलर की फ्लेम से जल रही हैं, ब्लू कलर की फ्लेम अलग होती है जिसमें कम्प्लीटली कम्बशन हो रहा होता है। ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू।